हाउ टू इम्पोर्ट गारमेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इंटू इंडिया, हिंदुस्तान में हम बांग्लादेश से कैसे गारमेंट इम्पोर्ट कर सकते हैं। वो एक कंट्री जो कि 1971 में हिंदुस्तान की मदद से आज़ाद हुआ था, वो एक कंट्री हिंदुस्तान जैसी महाशक्ति को भी पीछे हटा दिया। बड़ी बड़ी कंट्री जैसे जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया या फ्रांस हो गया, ये सब भी बड़ी महाशक्ति को बेसिकली उसने पीछे हटा दिया और विश्व में नंबर 2 पोजिशन पर बना हुआ है बांग्लादेश, जो कि सभी कंट्री को गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटेल से बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो वो शक्ति जो अभी धीरे धीरे उभर के ऊपर आ रही है, वो कितना एक्सपोर्ट करती है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करें कि हम अगर बांग्लादेश से इम्पोर्ट करते हैं तो हमें इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी पड़ती है, 0 इम्पोर्ट ड्यूटी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें इम्पोर्ट ड्यूटी 0 पड़ती है। क्यों 0 इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ती है? क्योंकि हमारा FTA उसके पास साथ में है। क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका नाम है BIFTA, यानी बांग्लादेश इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। तो बेसिकली BIFTA के तहत आप कोई भी अगर गारमेंट्स इम्पोर्ट करते हैं हिंदुस्तान में बांग्लादेश से, तो कोई आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। यही अट्रैक्शन है कि हिंदुस्तान में ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा है, डे बाय डे इंपोर्ट बढ़ रहा है गारमेंट्स का। अगर हम यही बात करें कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से, तो पूरे वर्ल्ड से जितना भी हम गारमेंट इंपोर्ट करते हैं, हम गारमेंट इंपोर्ट भी करते हैं और वैल्यू एडिशन के बाद हम गारमेंट यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जितना हम गारमेंट इंपोर्ट करते हैं सभी कंट्री से, उसका 65% हम बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बांग्लादेश से अकेला हम 65% का गारमेंट्स इंपोर्ट करते हैं। जितना हमारा टोटल इंपोर्ट है गारमेंट का, उसका 65% हम बांग्लादेश से ही खरीदते हैं। वहीं पर आपको बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, लोवेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आपको मिल रही है। पूरा वर्ल्ड बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है बांग्लादेश को, सिर्फ चाइना छोड़ के। अगर मैं बात करूं टॉप सप्लाई कंट्री, कौन कौन सी वो टॉप सप्लाई कंट्री जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करी, उससे पहले बता दूं, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, लॉजिस्टिक को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या इंसेंटिव्स रहते हैं, कितना बेनिफिट रहता है, कितना टाइम लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। ट्रेनिंग के बाद में आपको आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप सप्लाइंग कंट्री की, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे सिर्फ चाइना आ रहा है। चाइना यहां पे 276 बिलियन डॉलर का गारमेंट्स पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है। बहुत ध्यान से आप इसको सुनिए, कितना बड़ा वैल्यू है, 276 बिलियन डॉलर। मिलियन की बात नहीं कर रहा, 276 बिलियन डॉलर का बेसिकली अकेला चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है गारमेंट का। और नंबर 2 पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश ज्यादा नहीं कर पा रहा है, लेकिन छोटा कंट्री है, छोटा सा ही तो कंट्री है बांग्लादेश, कितना बड़ा कंट्री, छोटा कंट्री है, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पे बना हुआ है। चाइना को बीट करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बांग्लादेश 38.9 बिलियन डॉलर पे ही है। 38 से 276 पहुंचने में अभी उसको समय लगेगा। लेकिन अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, तो थर्ड नंबर पे वियतनाम आता है, जो कि बांग्लादेश के आसपास ही है, बांग्लादेश को बीट भी कर सकता है, और बांग्लादेश अगर अच्छी और मेहनत करता है तो बांग्लादेश आगे भी निकल सकता है रेस में। तो वियतनाम कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, वियतनाम 37.1 बिलियन डॉलर का पर ईयर गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वियतनाम टू डिफरेंट कंट्री। जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी 35.9 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। और फिफ्थ नंबर पर हम आते हैं हिंदुस्तान, वी आर द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स, लेकिन हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं कर पा रहे हैं, हम 29.65 बिलियन डॉलर का ही कर पा रहे हैं, यानी 29 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान। और चाइना देखिए 276, हमसे लगभग 10 गुना एक्सपोर्ट कर रहा है वो गारमेंट्स का, क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। मेरा भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, प्रार्थना है हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से जो कि ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं गारमेंट के सेक्टर में हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राइसिंग एंड क्वालिटी पर ध्यान दीजिए और आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू, आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। थोड़ा सा मास प्रोडक्शन में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने प्राइसिंग में ध्यान दीजिए और आप बीट कर सकते हैं। लीड जनरेशन वाली स्ट्रेटेजी का आपने जो वीडियो बनाया था, वो भी आप देखिए किस तरीके से लीड जनरेशन होती है, किस तरीके से बायर फाइंड करते हैं, किस तरीके से बायर के माइंड की साइकोलॉजी चलती है,
वो आप जरूर देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले आपके बिजनेस में। अगर मैं बात करूँ एचएस कोर, तो बेसिकली हमने एक ब्लेजर, जो ऐसा ब्लेजर होता है, ये भी ब्लेजर ही, ब्लेजर की बात करें, बॉयज़ का जो ब्लेजर होता है उसका एचएस कोर क्या है, अलग अलग का, जैसे सूट का अलग हो जाएगा, साड़ी का अलग हो जाएगा, अलग अलग कपड़े का, अलग अलग क्लोथ का, अलग अलग गारमेंट्स का एचएस कोर अलग अलग हो जाएगा, लेकिन चैप्टर और सब चैप्टर सेम ही रहेगा, पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगा। तो बेसिकली एचएस कोर यहाँ पे बन जाता है 62, यानी 6262033300, जो कि एक बॉयज का ब्लेजर का एचएस कोड है। अलग अलग गारमेंट का एचएस कोड आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं बेसिकली हाउ बांग्लादेश कैन एक्सपोर्ट इन लो कॉस्ट, लो कॉस्ट में कैसे वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है, बेसिकली वो अभी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है कि वो छोटे छोटे फैमिली को, हर किसी एक फैमिली को यूनाइट किया, साथ में लिया, मैन्युफैक्चरिंग चालू करवाई, छोटी छोटी घर से भी मैन्युफैक्चरिंग चालू कराई, हाथ की अभी तो मशीन से काम होना चालू हो गया, तब ये यूनाइट किया था, जब वो लेके आए एक बिग चेंज। ऐसा कंडीशन था 1971 की, खाने के लिए पैसे नहीं थे लोगों के पास में, बांग्लादेश में इतना ज़्यादा कंडीशन था जब वो पाकिस्तान से बेसिकली आज़ाद हुआ। तो बेसिकली मेरा कहने का आपको मतलब यही है कि वो लो कॉस्ट में अभी कैसे कर पा रहा है, वो प्राइस वार कर रहा है हर किसी कंट्री के साथ में, नंबर टू पोजीशन पे बना हुआ है। देखिए आप प्राइस वार करके जल्दी आगे बन सकते हैं, क्योंकि प्राइस कॉन्शियस सब लोग होते हैं। तो बेसिकली क्योंकि चाइना प्राइस वार करता, देखिए अभी भी नंबर वन पोजीशन पे बना हुआ, और बहुत सारी जैसे हमारी वीडियो, जैसे मैं खुद भी रिसर्च करता रहता हूँ, हमारी टेक्निकल टीम है वो भी रिसर्च करती रहती है, तो मैं आपके सामने एक फैक्ट रिसर्च के साथ में वीडियो लेके आता हूँ बेसिकली कि किस तरीके से कौन कंपनी काम कर रही, कंट्री काम कर रही। तो चाइना लगभग 1-2, 1-2 फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हर किसी प्रोडक्ट में मुझे दिखाई देता है। तो मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है कि चाइना बहुत ज्यादा सस्ता दे रहा है, इसलिए लोग सस्ते में लोग चाइना से खरीदना पसंद करें। लेकिन अभी चेंज हो रही है, अभी बेसिकली वहां से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या तो वियतनाम जा रही है या फिर हिंदुस्तान जा रही है। कोविड के बाद में सिचुएशन चेंज होती जा रही है। अभी आपने नया सुना भी होगा कि चाइना की जो जीडीपी है धीरे से ऐसे सीधे मूव, मतलब जिसको बोलते हैं ना चारों खाने चित, तो वैसा ही कंडीशन चाइना के साथ में अभी हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के पास में। अगर मैं बात करूं बेसिकली वो कौन सा मेथड वो यूज करता है, मास प्रोडक्शन में वो करता है, मशीन्स का भी यूज होने लगा। मास प्रोडक्शन में कोई आप प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, तो उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन प्राइस, जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट जो आता है, वो आपको भी पता है, कोई नई चीज आपके लिए नहीं है, वो आपको सस्ता पड़ता है। तो वो सस्ता पड़ रहा है, उसका वो यूटिलाइज कर रहा है, लो कॉस्ट मैन पावर वहां पे मिल जा रही है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जैसे बोलते हैं ना कि जैसे गुजराती में बोलते हैं कि भाई गुजरात के ब्लड में ही बिजनेस है, तो ऐसे ही बोला जाता है। जैसे अगर कोई क्रिकेटर है, जैसे कपिल देव के बारे में बात करें, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करें, उनके ब्लड में ही क्रिकेट है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि बेसिकली जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जो सिटीजन है, जो निवासी हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उनके ब्लड में ही कपड़ा यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली एक भूत सवार है, और वो इसको आगे लेके जाएंगे डेफिनेटली। उनका जो मैंने जो कई बार मेरे जो बांग्लादेश के कुछ सप्लायर है उनसे बात भी होती है फिजिकली, कई बार हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं लोग, तो जो मैंने उनसे सीखा है उनसे अब बेसिकली बात करके पता चलता है। जैसे मैं अपने ट्रेनिंग में जो लोग आते हैं उनसे भी मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं, क्योंकि सीखने का मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है। अगर मैं बात करूं ग्रोथ पोटेंशियल की, ग्रोथ पोटेंशियल यहां पे कितना दिखाई दे रहा है, अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट इज अराउंड 605.4 बिलियन US डॉलर, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 843.1 बिलियन US डॉलर बाई 2031, यानी भी 2023 चल रहा है, अभी के 8 साल के बाद ये मार्केट होने जा रहा है 843 बिलियन US डॉलर। ध्यान देखिए कितना बड़ा वैल्यू है 843 बिलियन US डॉलर का, एट ए CAGR ऑफ 8.6, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो 8.6 दिखा रहा है ये प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो मैं कई बार अपने सेमिनार, अपने ट्रेनिंग या फिर अपने वेबिनार में या फिर अपने कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म, स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी अगर मैं जाता हूं, मैं हर किसी अपने लेक्चर में बताता हूं कि आपका 5% से ज्यादा अगर CAGR है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, वो ग्रोथ अच्छा दिखा रहा है। बस ये देखिए कि कंसिस्टेंट उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि एक साल आ गया अगले साल फिर एकदम नीचे चला गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं EPC की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर, तो कपड़े का मामला है, गारमेंट का मामला है, तो इसमें अप्रैल ही लगेगा, यानी अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप 13,098 रुपीज देके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हो जाता है। अगर मैं टॉप कंपिटिटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज जिसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं,
तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो 122 बिलियन डॉलर का परियर इंपोर्ट कर रहा है। गारमेंट बांग्लादेश से भी इंपोर्ट करता है और इंडिया से भी इंपोर्ट करता है, क्योंकि यूएसए हमारा एक बेसिकली गुड फ्रेंड है, हमारे उसके बिजनेस रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जर्मनी 63 बिलियन डॉलर का परियर इंपोर्ट कर रहा है। यूके 35 बिलियन डॉलर का परियर इंपोर्ट कर रहा है। अगर जापान की बात करें तो जापान भी 35.2 बिलियन डॉलर का परियर इंपोर्ट कर रहा है। अगर फ्रांस की बात करें, देखिए जर्मनी फ्रांस जैसे भी लोग भी बेसिकली अपना जो कपड़ा बनवा रहे हैं, वो जारा जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड है उसका कपड़ा कहां बन रहा है, उसका कपड़ा भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बेसिकली बांग्लादेश में। तो फ्रांस कितना इंपोर्ट कर रहा है, फ्रांस 32.7 बिलियन डॉलर का परियर इंपोर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि कपड़ा इंपोर्ट करना चाहता है, गारमेंट इंपोर्ट करना चाहता है या गारमेंट का काम कर रहा है, गारमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेंस मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक यू।